छत्तीसगढ़ के भिलाई के खुर्सीपार में सरकारी प्राथमिक स्कूल के एक टीचर नाचते गाते हुए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी लें। कामता प्रसाद साहू ने पाया कि बच्चों को स्कूल आना और पढ़ाई में दिलचस्पी लेना कम हो गया है। इसके बाद उन्होंने पढ़ाने का तौर तरीका बदल डाला। सर, ये आइडिया यही आया कि हमने के बच्चे की उपस्थिति जैसे कभी कम हो जाती थी, या बच्चे, कई बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिव रहते हैं पहले से, वो तो सीख जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़ा एक्टिव नहीं रहते हैं, तो हमने सोचा कि सारे बच्चे को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको भी एक अधिकार है। तो हमने सोचा कि जो एक्टिविटी के माध्यम से ही ये संभव हो सकता है। स्कूल में ज्यादातर निचले तबके के बच्चे पढ़ते हैं। कामता प्रसाद के पढ़ाने के अनोखे तरीके से उनमें बदलाव देखा गया। बदलाव दिख रहा है, बच्चों बच्चे स्कूल नहीं आते थे, हम उनके माता पिता पालक से बोल के तो भी वो बच्चे नहीं आ पाते थे, लेकिन जब वो एक बार स्कूल आया और क्लास का माहौल से वो जुड़ गया, क्योंकि सर प्राइमरी स्कूल छोटे बच्चे हैं, घर को छोड़ कर आना, मम्मी पापा को जो प्रेम घर मिलता है उसको छोड़ के आते हैं स्कूल में, तो स्वाभाविक है कि स्कूल में मन लगने में टाइम लगता है, और जैसे ये माहौल अगर उनको मिल जाता है, घर जैसा माहौल, तो वो बच्चे सहज रूप में जुड़ते हैं और स्कूल आते हैं, और जब स्कूल आते हैं तो वो बच्चे सीखते हैं। सर, ना पढ़ाते भी हैं, मस्ती भी करते हैं, मारते नहीं हैं। और डांस वांस भी होता है? हाँ, डांस भी करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो डांस से समझ में आता है सब? सरकारी प्राथमिक स्कूल में पहली से पांचवी क्लास तक 496 बच्चे हैं। कामता प्रसाद साहू 2014 से यहां नाच गाकर बच्चों को पढ़ा रही हैं।